हेलो एवरीवन, दिस इज रितु पोदार, हेड ऑफ म्यूचुअल फंड रिसर्च एंड प्रोडक्ट। क्या आपको पता है जनवरी मंथ में कौन से फैक्टर्स ने इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट किया? लेट्स अंडरस्टैंड। सो इक्विटी मार्केट का अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, सो अक्रॉस ग्लोब हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ में अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखा है। एंड वॉलेटिलिटी का जो मेन रीजन है वो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है और उस टेंशन का ग्लोबल ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे कैसे इम्पैक्ट होगा। सो दैट वॉज द मेजर रीजन। अगर हम यहाँ पर एशियन मार्केट की बात करें, तो एशियन मार्केट में हमने बहुत अच्छी गिरावट देखी है जनवरी मंथ में। अगर हम वहीं पर इंडियन मार्केट की बात करते हैं, तो इंडियन मार्केट काफी हद तक काफी स्टेबल रहा है। फ्लैटिश क्लोज दिया था इन द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जनवरी मंथ में इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट करे हैं, तो पहला इज द FII सेलिंग, जहां पर हमने 2.62 बिलियन डॉलर की सेलिंग देखी है एंड दिस इज द हाईएस्ट सेलिंग इन एशियन कंट्रीज। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं देन अर्निंग ग्रोथ, बिकॉज दिस इज द अर्निंग सीजन एंड यहाँ पर हमने जो कंपनीज के रिजल्ट देखे हैं उन्होंने मेजर इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो केपेक्स लेट कंपनीज हैं, उन कंपनीज के रिजल्ट्स काफी हद तक काफी अच्छे आए हैं और एज पर द एक्सपेक्टेशन रहे हैं। वहीं पे जो एक्सपोर्ट लेट कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जा सकता है। तीसरा, मैंने FII सेलिंग का बात किया, द सेम इट लिंक टू द दैट HDFC का जब रिजल्ट आया था, तो मेजर सेलिंग हमने HDFC में देखा था बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, पुअर रिजल्ट्स आई वुड से। यहाँ पर दैट वॉज द थर्ड ट्रिगर इन इंडियन मार्केट जिसको हमने जनवरी मंथ में देखा था। अब हम अगर बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, तो पहले हम उसके बात कर लेते हैं कि हमने बजट देखा एंड बजट में कौन कौन से फैक्टर्स और किस तरह का पूरा आउटलुक है जो इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। फर्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। डेफिनेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जो फिस्कल डेफिसिट को रखा है और उन्होंने नंबर्स रिड्यूस किए हैं, जो पॉजिटिवली इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। हमने बहुत लास्ट टू और थ्री ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो रेलवे रोड्स पे बहुत ज्यादा रहा है, उसको उन्होंने इस बजट में भी कंटिन्यू किया है, जो आगे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट पॉजिटिवली करेगा। मैक्रो जो डेटा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इंडियन इकोनॉमी का एंड दैट इज द अदर रीजन हम मार्केट इस पे बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। एंड FIIs का जो हमारा सेलिंग है प्रोबेबली वो हम वापस देख सकते हैं इंडियन मार्केट्स में, बिकॉज मैक्रो डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्रो डेटा इज वेरी गुड। मेजर थिंग है कि जो मेजर हमको कंपनी वाइज जो हमको री रेटिंग देखना था वो ऑलमोस्ट इज डन। नाउ जो कंपनीज का ग्रोथ होगा वो देखने के लिए कंपनीज का अभी जो भी परफॉर्मेंस होगा और स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस होगा, उसमें आपका ग्रोथ फैक्टर जो होगा वो मेजरली कंपनीज के जो रिजल्ट्स होंगे वो इम्पैक्ट करेंगे। ओवरऑल द इंडियन सिचुएशन लुक्स वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे अगर हम दूसरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वैल्यूएशन इज द अदर पॉइंट जो मेजर इम्पैक्ट करता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, तो लार्ज कैप अभी बहुत ही रीजनेबल पी पे ट्रेड हो रहे हैं एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो है वो अच्छा दिख रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रेच्ड हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सो यहाँ कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, तो उनको अपनी जो रिस्क और रिवॉर्ड उनका जो है वो उनको देखना चाहिए। और अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो स्टैगर्ड वे में अपना इन्वेस्टमेंट्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कर सकते हैं। वहीं मल्टी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज है, जहां पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मार्केट कैप्स मिलता है एंड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है।